हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस कोटा के अंदर। हमने हिंदी साहित्य की 27 क्लास इससे पहले देख ली थी और आज हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर क्लास 28 की ओर। 27 क्लास से लेकर 28 के बीच में काफ़ी गैप रहा, इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। ठीक है, अब 27 के बाद हम आगे 28 से कंटिन्यू इसको कर रहे हैं। ठीक है, भक्ति काल हमारा चल रहा था, उसके अंदर हमने संत काव्य पढ़ लिया था और संत काव्य की एक साथ हम यहाँ पर महत्वपूर्ण रचनाएँ एक साथ हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास रेगुलर रहेगी। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। दूसरा, नोट्स बनाते रहिएगा जो पहले से बना रहे हैं, जिनके बीच में अटके हुए हैं नोट्स। ठीक है, चलो संत साहित्य से संबंधित रचनाओं की अगर बात करें, बार बार अच्छे से नोट्स को देखना है बनाने के बाद और रिवाइज करते रहना है। अगर आप RPSC के द्वारा ली जा रही परीक्षाएं अगर फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड से हिंदी से संबंधित तैयारी करते हो तो बिल्कुल आप सही जगह हो और अच्छे से बार बार कंटेंट को रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, देखो संत साहित्य से संबंधित रचना की बात करें, साकी सबद रमेनी। देखो हमने संत साहित्य पूरा एक एक करके कंप्लीट पढ़ लिया है, कबीर दास जी सेपरेट पढ़ लिया हमने, संत दादू दयाल सेपरेट पढ़ लिया, पर अब जब वो खत्म हो गया ना संत काव्य, तो उसके बाद अगर हम एक साथ अगर यहाँ संत साहित्य से संबंधित रचनाएं देखेंगे तो आपके लिए एग्जाम के में जाने से पहले रिवाइज करने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित रहेगी। ठीक है, और आपको पता भी रहेगा कि मुझे नोट्स में से कहां से क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले पूछा जाए आपसे, साकी सबद रमेनी किसकी रचना है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसकी है? संत कबीर दास जी की है। किसकी बताओ? संत कबीर दास जी की। साकी सबद रमेनी किसकी रचना है? कबीर दास जी की ये रचना है। साकी सबद रमेनी किसकी रचना है? कबीर दास जी की है। कौन सी रचना का संबंध कबीर दास जी से नहीं है? तो साकी सबद रमेनी, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा और एक अलग ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, बीजक, ध्यान रखिएगा बीजक। बीजक के जो रचनाकार है वो कौन है मेरे प्यारे साथियों? वो है धर्मदास। कौन है बताओ? वो है धर्मदास है। कौन है बताओ? धर्मदास। बीजक के रचनाकार है धर्मदास। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कबीर की रचनाओं का जो संग्रह है, कबीर की रचनाओं का जो संग्रह है वो किस रचना में मिलता है? तो आपको बताना है बीजक के अंदर मिलता है। इस बीजक के अंदर मेरे प्यारे साथियों कबीर की रचनाओं का संग्रह है और ये जो बीजक जो रचना है ये धर्मदास की है। किसकी है? धर्मदास की है। ठीक है, आगे देखिएगा, छप्पे और सबंगी। आपसे पूछा जाए छप्पे और सबंगी जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार संत रज्जब हैं। छप्पे और सबंगी के जो रचनाकार हैं वो रज्जब हैं। कौन है बताओ? वो रज्जब हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए आगे रैदास की परिचय। आपने पढ़ी थी ये, रैदास की परिचय के रचनाकार आप संत रैदास मत बता देना। ठीक है, अनंत दास आएगा। क्या नाम आएगा? रैदास नहीं आएगा, अनंत दास नाम आएगा। ठीक है, रैदास की परिचय के रचनाकार कौन है? अनंत दास है। तो मेरे साथ रिवाइज करिएगा, देखो साकी सबद रमेनी कबीर दास जी की है सर। ठीक है, बीजक किसकी है? धर्मदास जी की है। और कबीर की रचनाओं का संग्रह किस में मिलता है बताओ? बीजक के अंदर मिलता है। फिर आगे पूछा जाए अगर आपसे छप्पे और सबंगी के रचनाकार कौन है तो संत रज्जब बताना है। ठीक है, और रैदास की परिचय के रचनाकार हैं वो अनंत दास हैं। कौन है? अनंत दास है। फिर आगे आपसे पूछा जाए कि सहज प्रकाश किसकी रचना है तो ध्यान रखिएगा सहजोबाई की है। किसकी बताओ? सहजोबाई की है। सहज प्रकाश किसकी रचना है? सहजोबाई की है। और इसी तरह से आगे दया बोध और विनय मालिका, ये दोनों रचना किसकी है? दयाबाई की है। सहज प्रकाश किसकी रचना है? सहजोबाई की है। ठीक है सर, दया बोध और विनय मालिका किसकी है? दयाबाई की है। फिर आपसे आगे बात करें एक रचना है रत्नावली, ये है यारी साहब की। किसकी है बताओ? यारी साहब की है। जो रत्नावली रचना है यारी साहब की, आगे भी आपको रत्नावली नाम देखने को मिलेगा पर केवल अभी आपका फोकस वहां रहे जहां मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखो रत्नावली की बात करें यारी साहब की ये रचना है। शब्द सागर की बात करें बुला साहेब की ये रचना है। शब्द सागर किसकी है बताओ? बुला साहेब की रचना है शब्द सागर। चलो जल्दी से जवाब दीजिएगा, साकी सबद रमेनी किसकी रचना है? कबीर दास की रचना है। ठीक है, उसके बाद बीजक किसकी रचना है? धर्मदास जी की रचना है। इस बीजक में क्या है? कबीर दास की रचनाओं का संग्रह है। छप्पे और सबंग
सबंगी किसकी रचना है, रज्जब जी की रचना है, छप्पे और सबंगी। उसके बाद आगे बात करें रेदास की परिचय के रचनाकार कौन है, अनंत दास है। सहज प्रकाश के रचनाकार कौन है, सहजो बाई है, ठीक है, कौन है बताओ, सहजो बाई। दया बोध और विनय मालिका के रचनाकार कौन है, इसके हैं भैया दया बाई, ठीक है। रत्नावली की बात करें तो यारी यारी साहब है, और शब्द सागर की बात करें तो बुला साहेब है, ठीक है। क्या करना है आपको, अगर क्लास 27 तक आपने अच्छे से पढ़ा है और आपके पास में बहुत ही महंगा वाला कोर्स खरीदने की अगर ये नहीं है श्रद्धा, तो आप इससे अच्छे से पर्याप्त अब सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो पूरी तरीके से, ठीक है। पर आपको करना क्या पड़ेगा, चाहे पैसे से खरीदो चाहे यूट्यूब से पढ़ो, ठीक है, सब जगह पढ़ना तो पड़ता है देखो, ठीक है ना, पढ़े बिना कुछ नहीं होता है, ठीक है, पढ़ना पड़ता है, चाहे ऐप से पढ़ें चाहे यूट्यूब से पढ़ें, पढ़े बिना कुछ नहीं होता है, लिखे बिना कुछ नहीं होता है, लिख लिख के याद करना होता है, बार बार रिवाइज करना होता है, बार बार अलग अलग मोड से मॉक टेस्टों से गुजरना होता है, ये सारे प्रोसेस तो आपको हर जगह करने होते हैं, चाहे फीस दो या मत दो, ठीक है, नौकरी लगने के लिए सारे काम करना जरूरी है, ठीक है ना, ये करते हो तो आप सिलेक्शन के नजदीक हो, ठीक है, सारे काम करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लास की चिंता मत करो, अच्छा मौका है आपके पास में, समय काफी लंबा मिलेगा और आपकी वैकेंसी के पहले पहले बढ़िया आराम से शिद्दत से सारा साहित्य अच्छे से निमट जाएगा, ठीक है ना। चलो, चाहे आपको लेट मिलेगा पर अच्छा मिलेगा, नो टेंशन रहिएगा, अच्छे से जितना लिखा है उसको बार बार, आगे की क्लास पाने की चाहत से अच्छा है पीछे वाला बार बार रिवाइज करना पहले तो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बात करें कबीर परिचय, कबीर परिचय की बात करें, देखो आगे सुनिएगा आप, कबीर परिचय है ना, कबीर परिचय देखिएगा, आपसे पूछा जाए अगर कि कबीर परिचय के रचनाकार कौन हैं, किसके सर बताओ, कबीर परिचय के वो है अनंत दास, कौन है, अनंत दास हैं। अब देखो कबीर ही कबीर नाम से आएगी सारी रचनाएं वाली जितनी भी आपको दिख रही है चार की चार, एक तो आएगी कबीर परिचय, ठीक है, तो जब बताओगे आप अनंत दास, ठीक है, और आपसे पूछा जाए संत कबीर, ये रचनाओं के नाम इधर जो दिख रहे हैं आपको, संत कबीर रचनाएं किसके, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, और एक आपसे पूछा जाए कबीर रचनावली तो हरिओध बताना है, और एक पूछा जाए कबीर के पद तो क्षिति मोहन सेन बताना है, और एक कबीर रुको भी घबराना नहीं है, आराम से याद करना है चीजों को, ठीक है, एक कबीर पूछा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अब दोबारा सुनो, देखो जब भी कबीर से रिलेटो के रचनाओं के नाम पूछे जाएंगे तो सबके आंसर अलग अलग रहेंगे, एक जैसे नहीं रहेंगे, ठीक है ना। पहला तो समझो, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि इस रचना के साथ क्या लगा हुआ है। कबीर परिचय की बात करते ही अनंतदास जवाब देना है, ठीक है, संत कबीर केवल रचना का नाम आता है तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा बताना है, कबीर रचनावली अगर रचनावली साथ आता है तो हरिओध बताना है, और पद की बात करता है कबीर के पद तो क्षिति मोहन सेन बताना है, और केवल कबीर की बात करता है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बताना है। फिर दोबारा सुनो, केवल कबीर की बात करें रचना की तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बताना है, कबीर के पद की बात करें तो क्षिति मोहन सेन बताना है, और कबीर रचनावली की बात करें तो हरिओध बताना है, और संत कबीर की बात करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा बताना है। जैसे ही संत कबीर लिख के आएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, पर केवल कबीर लिख के आएगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, और कबीर परिचय लिख के आएगा तो अनंत दास बताओगे, परिचय लिख के आएगा तो अनंत दास बताओगे, और संत कबीर लिख के आएगा तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा बताओगे, और कबीर के साथ रचनावली लिख के आएगा तो हरि ओद बताना है, और कबीर के पद की बात करें तो क्षिति मोहन सेन बताना है, ठीक है, और कबीर की बात करें केवल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बताना है। चलो हो गई होगी यहां तक तैयार, बाकी तो आपको ही मेहनत करके याद करनी पड़ेगी, ठीक है, देखिएगा आगे। आगे बात करें काया बेली, किसकी काया बेली, संत दादू की है, किसकी है बताओ, संत दादू की काया आपको याद रखना है। हरेड़ वाणी भी किसकी है, संत दादू की है, काया बेली हरेड़ वाणी, काया बेली हरेड़ वाणी किसकी है, संत दादू की है, किसकी है बताओ, संत दादू की है, काया बेली संत दादू की, हरेड़ वाणी संत दादू की है। अभी जो हरेड़ वाणी है ना मेरे प्यारे साथियों, इसके अंदर संत दास और जगन्नाथ दास शिष्यों द्वारा रचनाओं का संकलन किया गया है। इस हरेड़ वाणी के अंदर संत दास और जगन्नाथ दास जो शिष्य थे उनके द्वारा रचनाओं का संकलन किसके अंदर किया गया है, उनके द्वारा रचनाओं का जो संकलन है वो किसके अंदर है, हरेड़ वाणी के अंदर किया गया है। चलो आगे बात करते हैं, देखो
अगली रचना है अंगवधु। याद रखिएगा ये काव्य संग्रह है। अंगवधु किसकी है? दादू की है। अंगवधु भी याद रखें किसकी है बताओ? दादू की है। रज्जब के द्वारा हरेड़वाणी का नए सिरे से अंगवधु नाम से संपादन किया गया था। ठीक है, अंगवधु किसकी है? संत दादू की है। जो रज्जब जी थे ना, इनके द्वारा हरेड़वाणी का नए सिरे से, हरेड़वाणी का जो नए सिरे से दोबारा स्टार्ट किया था ना, वो अंगवधु नाम से संपादन किया था। किसने? रज्जब जी के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर देखिएगा, आपसे पूछा जाए सुखमणि बावना अखरी और बारह मासा। ठीक है, ये याद रखना, ये किसके बताओ? अर्जुन देव के हैं। सुख बारह महीना है ना, बारह महीना, बारह मासा और सुखमणि और बावना। ठीक है, किसके बताओ? अर्जुन देव के हैं। सुखमणि बावना अखरी और बारह मासा, तीनों रचना अर्जुन देव की है। किसके बताओ? अर्जुन देव की है। बारह मासा, बावना अखरी, सुखमणि किसकी बताओ? अर्जुन देव की है। फिर आगे बात करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में महला प्रकरण, ये ध्यान रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहब में महला प्रकरण के अंतर्गत संकलित वाणियां किसकी है? नानक जी की है। गुरु ग्रंथ साहब में महला प्रकरण के अंतर्गत संकलित वाणियां किसकी है? नानक जी की है। फिर आगे बात करें, आगे पूछा जाए शांत सरसी और निरंजन संग्रह और प्रेम प्रकाश रत्नावली। सुनिएगा, अलग अलग रचनाएं ये। शांत सरसी किसकी है? अक्षर अनन्य की है। निर्जन संग्रह किसकी है? अक्षर अनन्य की है। अगर आप इन सब चीजों को, रचनाओं को देख के घबराते हो तो देखो, अगर आप हिंदी से हो तो इन सारे दौर से आपको तो गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है ना, हिंदी साहित्य को आपको सारा अच्छे से कंप्लीट करोगे, क्योंकि आपने देखा होगा नए पैटर्न के अनुसार सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर अब बहुत बड़ा अहम रोल करता है हिंदी लिटरेचर, साहित्य का इतिहास। ध्यान रखना इस बात को, आप इसे इग्नोर करके सिलेक्शन के नजदीक जाना बेहद थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो इस दौर से आपको गुजरना पड़ेगा, और जितना जल्दी आप इनको याद करते हो उतने ही आप आगे जब वैकेंसी आएगी तो दौड़ में रहोगे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उस समय ये इतना जल्दी याद नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि इनमें बार बार रचनाओं को रिपीट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में महला प्रकरण के अंतर्गत संकलित वाणियां किसकी है? नानक की है। शांत सरसी किसकी है? अक्षर अनन्य की है। निर्जन संग्रह किसकी है? अक्षर अनन्य की है। प्रेम प्रकाश रत्नावली, देखो यहां भी आ गया रत्नावली। प्रेम प्रकाश रत्नावली किसकी? धरणी दास की है। एक ही रचना दो जगह दिखे, घबराओ मत ज्यादा चीजों को देख देख के। क्यों? क्योंकि रचना तो हो सकती है अलग अलग, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना आपको बार बार चीजों पर। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। देखो, अब देखिएगा, गुरु नानक की रचनाओं का जो संकलन है, गुरु नानक की रचनाओं का जो संकलन है वो किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। गुरु नानक की रचनाओं का संकलन, ये जो आपने संत काव्य पूरा पढ़ लिया पहली बात, तो ठीक है ना, इसके पहले आपने पूरी क्लासें देखी है तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी कि ये सारा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये तो उसकी एक समरी आ रही है क्लास में, ताकि आपको जितना भी निचोड़े इसमें मिल जाए। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किसने किया बताओ? गुरु अंगद ने। फिर आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट, दोनों की दोनों ही है ना, चंडी चरित्र विचित्र नाटक। चंडी चरित्र विचित्र नाटक दोनों किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की है। चंडी चरित्र विचित्र नाटक किसकी है दोनों की दोनों? गुरु गोविंद सिंह की है। ठीक है, फिर देखो आगे, ज्ञान समुंदर है ना, ज्ञान का समुंदर हो तो सुंदर रहोगे, और सुंदर हो तो फिर सुंदर तो रहोगे सही के। ठीक है, ज्ञान समुंदर सुंदर विलास किसकी बताओ? सुंदरदास ही है। ट्रिक बने तो बना सकते हो देखो, पर यही एक अच्छी ट्रिक है, जितना अच्छा रिपीट करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, उतना अपने आप ही याद होता चलेगा। ठीक है ना, ज्ञान समुंदर सुंदर विलास किसकी रचना है? सुंदरदास की है। सिखों के दसम ग्रंथ में संग्रहित रचनाएं गुरु गोविंद सिंह की है। सिखों के दसम ग्रंथ में संग्रहित रचनाएं, अगर पूछा जाए सिखों के दसम ग्रंथ में संग्रहित रचनाएं किसकी है, किसने करा बताओ? गुरु गोविंद सिंह ने करा है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बताओ, चंडी चरित्र विचित्र नाटक किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की है। ज्ञान समुंदर सुंदर विलास किसकी है? सुंदरदास की है। आगे बात करें, ये रचना का नाम है। ठीक है ना,
दादू दयाल जो रचना किसकी है, परशुराम चतुर्वेदी की है। किसकी है बताओ, परशुराम चतुर्वेदी की है। ठीक है, फिर आगे बात करें आनंद घन 24 और आनंद घन 72। ठीक है, 72 और 24 ध्यान रखना है, आनंद घन 24 और आनंद घन 72 किसकी रचना है, आनंद घन की है। किसकी बताओ, आनंद घन की है। फिर आगे देखो ये सारी रचना देखो, 1 2 3 4 5 6 सारी की सारी अक्षर अनन्य की है। देखिएगा राजयोग पूछे अक्षर अनन्य की है, विज्ञान योग पूछे अक्षर अनन्य की है, ध्यान योग पूछे अक्षर अनन्य की है। तो आपको राज विज्ञान ध्यान, ठीक है ना, विज्ञान में ध्यान दोगे राजयोग बन जाएगा। ठीक है, किसकी है, अक्षर अनन्य की है। राजयोग विज्ञान योग ध्यान योग, राज विज्ञान ध्यान तीनों योग अक्षर अनन्य की है। ठीक है, अनन्य प्रकाश तो आप लगा ही लोगे। ठीक है, विवेक दीपिका किसकी है, अक्षर अनन्य के सिद्धांत बोध भी किसकी है, अक्षर अनन्य की है। तो ध्यान रखें राज विज्ञान और ध्यान तीनों योग आपको याद रखना है। राज योग विज्ञान योग ध्यान योग किसकी है, अक्षर अनन्य की है। अनन्य प्रकाश विवेक दीपिका और सिद्धांत बोध ये भी किसकी है, अक्षर अनन्य की है। किसकी बताओ, अक्षर अनन्य की है। और अगली रचना है संत वाणी एवं आदि ग्रंथ में संकलित पद किसके हैं, रैदास के हैं। किसके बताओ, संत वाणी एवं आदि ग्रंथ में संकलित पद किसके हैं, रैदास के हैं। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो एक तरफ आपको दे रखी है किसकी रचनाएं, मलुकदास जी की रचनाएं, और एक तरफ दे रखी है आपको हरिदास निरंजनी की रचनाएं। ठीक है, जितनी भी रचना दिख रही है सारी की सारी मलुकदास जी की है, और इधर जितनी भी रचना दिखनी है हरिदास निरंजनी की रचना है ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। देखो पूछा जाए ज्ञान बोध किसकी है, ज्ञान बोध किसकी है, मलुकदास जी की है। किसकी है, मलुकदास की। रामावतार लीला किसकी है, मलुकदास की है। ठीक है, रतन खान किसकी है, मलुकदास की है। एक और रचना इनकी भक्त वच्छावली, एक है ज्ञान परोची, और एक है भक्ति विवेक, एक है सुख सागर, और एक है ब्रज लीला, एक है ध्रुव चरित्र, मतलब एक साथ ही है ब्रज लीला ध्रुव चरित्र। तो ठीक है ना, चलो बार बार रिवाइज करना इनको। देखो लिखोगे और आज से लिख के रिवाइज करोगे तो ही ज्यादा फायदा मिलेगा, सीधी सी बात है। देखो ठीक है ना, क्योंकि आप लॉस में रह जाओगे अगर आप सीधा वीडियो ही देखते हो। अगर केवल वीडियो देख के आप अच्छे से नोट्स बनाओ, देखो, और जब आपका नोट्स बन जाए तो इनको आप क्या करो, बार बार रिवाइज करो, वीडियो चला के रजिस्टर में रिवाइज कर लो। ठीक है, और आप खुद भी वीडियो ना चला के खुद भी रिवाइज करो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ज्ञान बोध की बात करें किसकी रचना है, मलुकदास की है। रामावतार लीला किसकी है, मलुकदास की है। रतन खान किसकी है, मलुकदास की है। भक्त वच्छावली किसकी है, मलुकदास की है। ज्ञान परोची किसकी है, ज्ञान बोध और ज्ञान परोची ध्यान रखें, मलुकदास के। भक्त वच्छावली और भक्ति विवेक याद रखें, मलुकदास की है। रतन खान सुख सागर किसकी है, मलुकदास की है। और ब्रज लीला ध्रुव चरित्र एक साथ ये भी मलुकदास की है। अब इधर जो रचनाएं दे रखी है ये सारी की सारी किसकी है, हरिदास निरंजनी की है। आज की क्लास में तो देखो सारा क्या था, संत काव्य की जो भी हमने पढ़ा ना पूरा डिटेल से, उसकी जो भी रचनाएं थी वो एक साथ हमने देखने का प्रयास किया है। ठीक है ना, तो इसमें आपको लगा होगा कि इसमें तो रचना आ रही, तो रचना तो आएगी सही ना, एक साथ हम सारी रचनाएं देख रहे हैं तो। ठीक है ना, अगर आपको थोड़ा पढ़ते वक्त अगर जोर आ रहा है तो देखो पढ़ना तो पड़ेगा, याद कैसे होगी, नहीं तो ये याद तो करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो याद तो करनी पड़ेगी। ठीक है, हंस प्रबोध ग्रंथ किसकी है, हरिदास निरंजनी का है। हंस प्रबोध ग्रंथ किसका है, हरिदास निरंजनी का है। ब्रह्म स्तुति किसका है, हरिदास निरंजनी का है। अष्टपदी जोग ग्रंथ ये ध्यान रखना, देखो अष्टपदी जोग ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ और संग्राम जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, जोग ही जोग लग रहे हैं ना अधिकतर आपको, क्या दिखेगा, जोग 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 जोग। ठीक है, अष्टपदी जोग ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, सब किसकी है, हरिदास निरंजनी की है। हंस प्रबोध ग्रंथ किसका है, हरिदास निरंजनी का है। ब्रह्म स्तुति किसका है, हरिदास निरंजनी का है। अष्टपदी जोग ग्रंथ किसका है,
पूजा, योग ग्रंथ संग्राम, योग ग्रंथ समाधि, योग ग्रंथ सबके सब हरिदास निरंजनी का है, और निरपक मूल ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ भी हरिदास निरंजनी का है। तो ये हुई हमारी आज की संत काव्यों की जो भी रचना थी वो सारी एक साथ हमने देखी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है, देखो इसके पहले क्या हो गया है मैं सारा बता देता हूँ आपको। देखो इसके पहले ये हुआ है कि क्लास जो थी 27 तक हिंदी साहित्य के बेच की हमने पढ़ ली है, जो कि आपको YouTube के प्लेलिस्ट के अंदर दिख जाएगी। और अगर आप आगे का लिखते हो तो आज जो है ये क्लास 28 है, जो कि आज से आप लिख सकते हो। ठीक है, और आगे के अगला क्वेश्चन आपका ये रहेगा, वैसे बहुत दिनों में क्लास आई है, आगे क्लास आएगी नहीं आएगी, आगे नहीं आनी होती तो आज भी क्यों आई। ठीक है ना, आगे क्लास जरूर आएगी। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाना। देखो देखो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि समझ में आनी चाहिए चीज, याद होनी चाहिए चीज, और अच्छा कंटेंट होना चाहिए, और पढ़े जो पेपर में आना चाहिए, ये सारी बातें हमको समझनी है, और इन सभी बातों को ध्यान में रख के ही आपको पढ़ना है। ठीक है ना, और ये चीजें आप जरूर जरूर ध्यान रखें। और दूसरी बात यह है, क्या हम ये पढ़ रहे हैं इससे सर्टिफाइज होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हो ना, इसको आप पहले तैयार करें। जब आपको लगे कि मुझे अच्छे से ये सब चीजें याद हो गई, तो उसके बाद आप और भी ज्यादा ज्ञान अपना किसी भी प्रकार से बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, पर परीक्षा के लिए पता है क्या है, एक ही सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ना तो नहीं होता। ठीक है, सभी सिलेबस को पूरी तरह से निमटाना होता है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से। और आप जो पढ़ रहे हो हिंदी लिटरेचर का ये वाला पोर्शन, मतलब इतिहास वाला, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, चिंता ना करें इस चीज की। और आप इसको क्या करें, बार बार ही रिवाइज करें चीजों को। ठीक है, मानता हूं मैंने क्लास काफी दिनों बाद दी है, ये तो आपको लग रहा होगा बहुत दिनों में आए, तो भी हम तो पहले से ही पढ़ रहे हैं चीजों को, कोई बात नहीं, आप अच्छे से रिवाइज करें चीजों को बस। ठीक है ना, इतना विश्वास रखें आगे चीजें आएगी, चिंता ना करें। ठीक है, 27 हो गए, क्लास 28 से बताई दिया मैंने आपको सारी बात। ठीक है, फिर भी आपको लगे, देखो नोट्स तो बनाने के लिए बोलता हूँ, बनाओगे तो ही तो फायदा मिलेगा। देखो आगे का तो किसको पता है किसके साथ क्या होगा, क्लास आगे रहे या नहीं रहे वो अलग बात है। ठीक है, पर आपको जब तक आप पढ़ोगे तब तक तो क्लास तो बनानी पड़ेगी ना, क्लास बनानी पड़ेगी आपको, नोट्स बनाओगे तो ही तो रिवाइज होगा। ठीक है ना, धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, और आगे क्लास 28 टाइम क्या रहेगा, वैसे आपको शाम को 8 बजे क्लास मिलती रहेगी। और बात करें जो भी, अगर आपने यहाँ तक वीडियो सुना है, तो एक बात मैं आपको बता के जाता हूँ, ये 9057596854 ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम, अगर हिंदी साहित्य की क्लास लेते हो आप, ठीक है, किसके लिए पढ़ रहे हो ये बता सकते हो, साथ में आपको PDF हुई तो मैं चाहूँ तो आपको यहाँ भी उपलब्ध करवा सकता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पर भी ले सकते हो, यहाँ भी आप, इससे क्या होगा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे पता लग जाएगा कि सीरियस स्टूडेंट कौन था, और कौन किसके लिए हिंदी किस सब्जेक्ट के लिए, मतलब किसके लिए पढ़ रहा है, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, ताकि मैं यहाँ से आपसे कांटेक्ट में रह सकूँ, इसलिए मैंने ये बताया है। ठीक है ना, धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, और 8 बजे आपको क्लास मिलेगी, शाम को 8 बजे। ठीक है ना, धन्यवाद।